हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज जेनेश कुठा यो एंड वेलकम टू आवर वीडियो ऑफ फ्रेंच। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है। इसमें सिर्फ एक ही ग्रामर टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, सावुआर और कोनेत्रो। ठीक है, अगर आपको मीनिंग पता होगा स्टूडेंट्स, सावुआर एंड कोनेत्रो दोनों का ही मतलब टू नो होता है। तो कभी सावुआर कभी कोनेत्र, कौन सा यूज करना है, कब यूज करना है, इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज। So students, if you are new on this channel, then please subscribe to our channel and like the video and share it with your friends. So aaiye bache log shuru karenge. The first thing is savoir aur connaître. So students, aapko batana chahiye ki hame savoir use karna hai ya connaître use karna hai. So first aap dono ke conjugations learn kar lo. Maine filhal sirf aur sirf present tense ke conjugations yahan pe likhe hain. Savoir ka matlab bhi to know hota hai, connaître ka matlab bhi to know hota hai. But agar aap dekhenge yahan pe, savoir is used for facts. अगर मुझे कोई फैक्ट्स के बारे में जानकारी है तो मैं आई नो बोलूंगा, आई नो द सिटी ऑफ पैरिस इज ब्यूटिफुल। बट मैं सिर्फ सिटी ऑफ पैरिस को जानता हूं तो मैं बोलूंगा आई नो द सिटी ऑफ पैरिस। तो अगर आई नो द सिटी ऑफ पैरिस तो कोनेत्र, आई नो द सिटी ऑफ पैरिस इज ब्यूटिफुल तो ये एक फैक्ट है, तो सावुआर। ओके, तो दोनों के कॉन्जुगेशंस पहले आप लर्न कर लो। ज से त्यू से इल से एल से Nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. और फिर connaître है, je connais, tu connais, il connaît, elle connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. और यहाँ पे il और elle form में अगर आप देखोगे I के ऊपर circumflex है students, उसको ध्यान रखना है। आइए तो शुरू करेंगे। So there is an exercise given to us, complete the phrase savoir और connaître. ठीक है, first Je dash te cousin American. I know your American cousins. तो American cousins तो इंसान है students. तो C O N N A I S आएगा. कोने आएगा. C O N N A I S. Second one. Do you know who Convir University? Do you know to drive a car? तो ये एक fact है कि तुझे car आता है. एक skill है ना, skill fact. तो students यहाँ पे सावे लिखेंगे. सावर वर्ब यूज़ होगा. Do you know to drive a car? ठीक है. तो ये skill या एक fact आपको पता है या नहीं पता है. ठीक है. Third one. Do you know if the professor is going to come? तो students यहाँ पे भी सावर आएगा। क्या तुझे पता है कि प्रोफेसर आने वाले हैं या नहीं आने वाले? एक फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपको या तो पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो सावर बोल। फोर्थ वन, दे नो द प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज। तो प्रोफेसर को जानते, तो प्रोफेसर तो इंसान है स्टूडेंट्स, तो कोनेस आएगा। इल कोनेस ले प्रोफेसर ड्यूलीजे। फिफ्थ वन, हेलेन नोस टू डांस। एस ए आई टी। तो स्टूडेंट्स डांस करना आना एक स्किल है, एक तो फिर वो क्या होगा, सावर वर्ब। ही डज नॉट नो टू स्विम। तो वापस एस ए आई डी, ही डजंट नो टू स्विम। सेवेंथ वन, डू यू नो द सिटी ऑफ पेरिस। तो सिटी ऑफ पेरिस तो एक प्लेस है स्टूडेंट्स, तो सी ओ एन एन ए आई एस एस ई जेड। कोनेसेवू, कोनेत्र वर्ब आएगा यहां पर। एट वन, माई ब्रदर नोस टू प्ले गिटार। तो स्टूडेंट्स ये एक स्किल है, तो उसको एक फैक्ट है कि उसको पता है वो, तो माई ब्रदर नोस टू प्ले गिटार, पियानो पियानो। नाइन वन, je ne sais pas la nouvelle étudiante. I do not know the new student. तो सी क्यू, ओके, कोने आएगा स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट तो एक इंसान होगा, पर्सन होगा, तो je ne connais pas la nouvelle étudiante. एंड लास्ट, he doesn't know where you stay. तो सावर होगा स्टूडेंट्स, he does not know where you stay. तो तुम कहाँ रहते हो, तो ये एक फैक्ट है, वो हमें नहीं पता स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सावर होगा आएगा। Is that okay? So I hope students, the video has helped you to identify the distinguish between connaître and savoir. अगर आपको समझ गया कुछ अच्छे से तो स्टूडेंट्स शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर ग्रामर वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड। फॉर द टाइमिंग थैंक यू सो मच, बाय बाय।